ईरान से बदला लेने के लिए तैयार इसराइल, किसी भी वक्त हो सकता है पलटवार, नेतन्याहू बोले जीत हासिल करके रहेंगे। ईरान की अमेरिका को धमकी, कहा इसराइल की ना करे मदद नहीं तो यूएस बेस पर अटैक होगा। इसराइल के पलटवार को लेकर हाई अलर्ट पर है ईरानी डिफेंस फोर्सेस, सोमवार तक ईरान के कई एयरपोर्ट बंद। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी ईरानी विदेश मंत्रियों ने मध्य पूर्व में और तनाव बढ़ने के खिलाफ चेतावनी दी। सुरक्षा परिषद की बैठक में बोला इसराइल, ईरान के हमलों का मिलेगा जवाब, हम चुप नहीं बैठेंगे। इसराइल ने ईरान पर सभी संभावित प्रतिबंध लगाने की मांग की, कहा ईरान वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए खतरा, ईरान के खिलाफ कार्रवाई करें। इसराइल के काउंटर अटैक में तबाह ईरानी मिसाइल की तस्वीरें आई सामने, जहां आयरन डोम के हमले में गिरी ईरानी मिसाइल। ईरानी हमलों को लेकर इसराइल के एयलात में भी अलर्ट, सी डोम को इसराइल ने एक्टिव किया। ईरान के हमले के बाद यूएस का बयान, कहा ईरान की 50% बैलिस्टिक मिसाइलें लक्ष्य से पहले ही विफल हुई। ईरान के हमले को लेकर आईडीएफ का दावा, 99% ईरान के मिसाइल हमलों को नाकाम किया गया, वीडियो जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के त्रिशूर और अलाथुर में रैली करेंगे। अट्टिंगल और तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर के लिए वोट मांगेंगे। केरल में चुनाव प्रचार के बाद शाम 5 बजे तमिलनाडु जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, तिरुनेलवेलमी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की आज त्रिपुरा के कुमारघाट और मणिपुर में जनसभाएं, जयपुर में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो। राहुल गांधी आज वायनाड में जनसंपर्क करेंगे, चाय बागान मजदूरों के साथ होगा संवाद। मंथनवाड़ी में चर्च जाएंगे और बिशप से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज तिहाड़ जेल में केजरीवाल से करेंगे मुलाकात, भगवंत मान के साथ सांसद संदीप पाठक मौजूद रहेंगे। शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, के कविता को भी आज कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। यूपी के सभी जिलों में आज बीजेपी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनता को बताएगी केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियां। सीएम योगी लखनऊ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मुरादाबाद और कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जनता को मोदी के गारंटी बताएंगे। ईरान के हमलावर ड्रोन की तस्वीर आई सामने, तारों में फंसकर ईरानी ड्रोन खराब हुआ, इसराइल पर हमले के लिए सुसाइड ड्रोन उड़े थे। इसराइल पर हमले का नया वीडियो आया सामने, जहां कैमरे में कैद ईरान का मिसाइल अटैक। ईरान इसराइल पर बोला व्हाइट हाउस, हम ईरान के साथ नहीं चाहते संघर्ष, हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। G7 की बैठक में ईरान हमले की निंदा, EU की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ने G7 बैठक की एक तस्वीर साझा की। बेल्जियम के नेता चार्ल्स मिशेल ने कहा, हमने सर्वसम्मति से इसराइल के खिलाफ ईरान के हमले की निंदा की है, दोनों देशों से संयम बरतने की अपील। आईडीएफ प्रवक्ता जनरल अगारी का बयान, कहा ईरानी हमलों के दौरान भी हमने गाजा में बंधकों का रखा गया। इसराइल पर हमलों के लिए ईरान को हिजबुल्ला ने दी बधाई, ईरानी मीडिया ने हमले का वीडियो किया जारी। इसराइल ने ईरानी हमले का जारी किया ग्राफ, ईरान के हमलों वाली जगहों को ग्राफ के जरिए दिखाया। नवातिम हवाई अड्डे पर मरम्मत का काम जारी, ईरान के हमले में एयरबेस को हुआ था नुकसान। इसराइल पर हमले के बाद सऊदी अरब ने संयम बरतने का कहा किया आह्वान। ईरान को अमेरिका की बड़ी चेतावनी, कहा पलटवार के पीछे नहीं हटेंगे, अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा। इसराइल की ब्रिटेन फ्रांस से अपील, IRGC को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग। इसराइल को लेकर बाइडेन ने G7 लीडर्स के साथ की बैठक, मीटिंग में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मिलकर काम करने की चर्चा। बाइडेन ने लड़ाकू विमान के पायलटों की तारीफ की, कहा ईरान के हमलों से इसराइल की रक्षा करने में सक्षम। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सड़कों पर उतरे लोग, ईरानी हमले का किया विरोध। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच कराची में फिलिस्तीनियों के समर्थन में रैली। ईरान के नेता खमेनेई का ट्वीट, लिखा मुसलमानों के हाथ में होगा अल कुद्स, फिलिस्तीन की आजादी का जश्न मनाएगी दुनिया। इसराइल पर हमले को लेकर ईरान के विदेश मंत्री का बयान, अमेरिका को पहले ही हमले की जानकारी दी गई थी। इसराइल पर ईरान का प्रचंड ट्रिपल अटैक, ड्रोन मिसाइल फाइटर प्लेन से एक साथ किया हमला। ईरान इसराइल युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, इसराइल को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और आयरन डोम समेत कई घातक हथियार सप्लाई करेगा अमेरिका। पीएम मोदी ने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का बताया सुल्तान, कहा जो देश के खिलाफ बोलते हैं उन्हीं को टिकट देती है कांग्रेस। पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश से घृणा की सारी सीमाएं पार कर चुकी है, देश बांटने के कांग्रेस के इरादे आज भी वैसे। कांग्रेस ने हिमाचल की 3 लोकसभा सीटों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए, संजय दत्त मंडी और अनीस अहमद हमीरपुर के पर्यवेक्षक बने।
बीजेपी ने संकल्प पत्र पर राहुल गांधी का बयान, बोले महंगाई और बेरोजगारी शब्द बीजेपी के घोषणा पत्र से गायब। बीजेपी के संकल्प पत्र को कांग्रेस ने बताया जुमला, कहा बीजेपी के सभी वादे खोखले। अनुराग ठाकुर ने कहा मोदी सरकार को रोजगार के साथ ही लोगों की सेहत की चिंता। बीजेपी के संकल्प पत्र पर टीवी 9 से बोले अनुराग ठाकुर, कहा युवाओं और बुजुर्गों के लिए लिए गए बड़े फैसले। बीजेपी सांसद लालू सिंह का वीडियो वायरल, संविधान संशोधन के लिए दो तिहाई बहुमत की बात करते दिख रहे। लालू सिंह के बयान पर अखिलेश ने किया पलटवार, बोले बीजेपी बाबा साहेब के बनाए संविधान को बदलने के लिए 400 सीटें मांग रही है। लालू सिंह के बयान पर खड़गे ने कहा हमारी लड़ाई मोदी और बीजेपी से नहीं है बल्कि संविधान को बचाने के लिए। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया संविधान से खिलवाड़ का आरोप, कहा संविधान में बदलाव बीजेपी का लक्ष्य है इसलिए 400 पार की बात। खड़गे के आरोप पर गृहमंत्री अमित शाह का जवाब, बोले जब तक बीजेपी है तब तक ना आरक्षण हटेगा ना ही हटाने देंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की आज दौसा में रैली, अलवर में रोड शो। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे तमिलनाडु में जनसभा करेंगे। कांग्रेस ने दिल्ली में 3 उम्मीदवारों के ऐलान किए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज और चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को टिकट। कांग्रेस ने जालंधर से पूर्व सीएम चन्नी को उम्मीदवार बनाया, संगरूर से सुखपाल सिंह खेरा, अमृतसर से गुरजीत औजला को टिकट। कांग्रेस ने इलाहाबाद से उज्ज्वल रमन सिंह को उम्मीदवार बनाया है, एसपी के वरिष्ठ नेता रेवती रमन सिंह के बेटे हैं उज्ज्वल। समाजवादी पार्टी ने बदायूं और सुल्तानपुर से उम्मीदवार बदला, बदायूं से शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य और सुल्तानपुर से राम भुआल निषाद चुनाव लड़ेंगे। टीएमसी के आरोपों को चुनाव आयोग ने बताया बेबुनियाद, कहा अभिषेक बैनर्जी के हेलीकॉप्टर की आयकर विभाग ने कोई तलाशी नहीं ली है सूत्रों के हवाले से खबर। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर बीजेपी ने निशाना साधा, बोली टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता को कांग्रेस ने टिकट दी। कांग्रेस ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए 77 उम्मीदवारों का ऐलान किया, संबलपुर से दुर्गा पाथी और आनंदपुर से जयदेव जैना उम्मीदवार। एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री से बात की, सी एरीज के 17 भारतीयों की रिहाई पर चर्चा हुई है। एर्दोगन ने एक्स पर लिखा ईरानी हमला वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा, परिषद ईरान के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेगा। नेतन्याहू से बोले जो बाइडेन, ईरान के खिलाफ इजरायली जवाबी हमले में भाग नहीं लेगा अमेरिका। ईरान के हमले पर बड़ा खुलासा, ईरान के एटमी मिशन में बाधा ना आए इसलिए सीरिया में दूतावास पर हुए हमले के 14 दिन बाद एक्शन। ईरान हमले पर आईडीएफ का बयान, कहा ईरान को मिलेगा जवाब, ईरानी मिसाइलों का भरपूर जवाब मिलेगा। ईरान इजराइल जंग पर, बोले ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, हमने फाइटर जेट समेत कई ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया है। यूएस के पूर्व खुफिया अधिकारी की रिपोर्ट में खुलासा, ईरान पर बड़े पलटवार कर सकता है इजराइल, इजरायली वॉर कैबिनेट में पलटवार पर चर्चा। तेहरान में अबुजबाजा इम्तैनात, इसराइल की हर हरकत पर नजर, हाई अलर्ट पर फोर्स। ईरान के टारगेट पर इसराइल के एयरबेस रेमोन एयरबोस पर विध्वंसक वार। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड का बयान, आत्मरक्षा के अधिकार के तहत हमला किया, देशहित में इसराइल पर हमला। भूकंप के तेज झटकों से कांपी पापुआ न्यू गिनी की धरती, रिक्टर स्केल पर 6.5 तीव्रता। अमेरिका के बाल्टीमोर में गोलीबारी में 7 साल की लड़की घायल। भीषण बाढ़ से रूस और कजाकिस्तान के कई इलाके जलमग्न। मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लॉन्स बिश्नोई गैंग ने ली। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज आई सामने, एक हमलावर काली टी शर्ट और दूसरा लाल टी शर्ट में नजर आ रहा है। वायनाड में सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा का राहुल पर निशाना, कहा राहुल गांधी ने फांसीवादी ताकतों को के आगे किया सरेंडर। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा सम्मान नागरिक संहिता कानून को लेकर आएंगे। 19 अप्रैल को गांधी नगर में नामांकन दाखिल करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। आतिशी ने कहा मुख्य सचिव को निर्देश के बाद भी पानी की कमी बरकरार। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एलजी के अफसरों पर कार्रवाई की मांग की, कहा जल बोर्ड के अफसरों की लापरवाही से कई इलाकों में पानी की कमी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरजेडी पर कसा तंज, बोले लालटेन का युग खत्म। आरजेडी के घोषणा पत्र पर चिराग पासवान का तंज, बोले जिनका एक भी सांसद नहीं वो घोषणा पत्र निकाल। आज मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव की रैली, मुजफ्फरनगर में से एसपी उम्मीदवार हरिंद्र मलिक के समर्थन में करेंगे जनसभा। अयोध्या के राम मंदिर में आज से 18 अप्रैल तक वीआईपी दर्शन पर लगी रोक। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज एससी में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की सर्वे के खिलाफ दाखिल याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अमरनाथ यात्रा के लिए आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, 29 जून से 19 अगस्त तक चलेगी पवित्र गुफा की यात्रा। बढ़ती धोखाधड़ी को रोकने के लिए आज से कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस होगी बंद।
भारतीय कैदी सरबजीत सिंह के हत्यारे लश्कर, आतंकी सरफराज तांबा की लाहौर में गोली मारकर हत्या। यूपी के मुजफ्फरनगर में दो मंजिला इमारत गिरी, मलबे में दबने से दो मजदूरों की मौत। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की।